ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने कल नर्मदा नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिए हैं। किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने? नर्मदा नदी तंत्र के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यमुना, गंगा नदी, अपतंत्र के चंबल नदी है ना, के उपतंत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चंबल नदी के बारे में। कौन से नदी के बारे में? चंबल नदी के बारे में। ठीक है, चंबल नदी के बारे में जानने से पहले एक बार ध्यान से सुनना आप लोग। ये चंबल नदी हमारे पास गंगा, यमुना, अपतंत्र का एक हिस्सा है। सबसे बड़ा अपतंत्र कौन सा हो गया हमारे पास? गंगा यमुना अपतंत्र है ना, अरे एक ही नहीं है। और इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे यमुना के उपतंत्र इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यमुना के उपतंत्र। और एक नदी आती है हमारे पास चंबल नदी के बारे में, अरे आया ना, चंबल नदी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। बताया था ना आप लोगों को फ्लो डायग्राम बना के, ठीक है। दूसरी बात, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम की बात कर रहा हूं मैं, उद्गम। तो एक बात ध्यान सुनना आप लोग, एक हमारा विंध्यांचल, देखो एक हमारा इंदौर जिला आता है। कौन सा जिला? इंदौर जिला। और इंदौर जिले की तहसील का नाम है, उस तहसील का नाम है महू तहसील। कौन सी तहसील? महू तहसील। अरे अभी तो अधिकतर लोग ये जानते हैं कि जो महू है हमारा धार में है, जबकि जो पीतमपुर इंदौर में है, ये जानते हैं। लेकिन पीतमपुर बेटा धार में है, कहाँ पर है? धार में। ये बात ध्यान देना, इंदौर जिले के महू तहसील, ठीक है, इंदौर जिले के महू तहसील। और महू तहसील में एक पहाड़ी आती है हमारे पास। कौन सा पहाड़ चलता है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत कहाँ से? महू तहसील में विंध्याचल पर्वत श्रेणी पड़ती है हमारी। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में भी एक स्थान पड़ता है, और उस स्थान का नाम है जानापाऊ पहाड़ी। और जानापाऊ पहाड़ी के ऊपर भी एक स्थान है। अरे कोई ना कोई एक लेख तो होगा ना हमारा, अरे आया ना, जानापाऊ पहाड़ी। और उस जानापाऊ पहाड़ी के ऊपर भी एक लेख है जिसका नाम है वांगचू पॉइंट। क्या नाम है? वांगचू पॉइंट, ठीक है। और वांगचू पॉइंट की ऊंचाई कितनी है? 854 मीटर। कितनी है? मीटर ऊंची एक चोटी है। तो वहां से हमारी चंबल नदी का उद्गम होता है। आई बात समझ में कि नहीं? आएगी बात। वैसे हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा, अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के मानस पुष्पराजगढ़ तहसील के सरस्वती झील से है ना निकलती है ना, माई की बगिया के सरस्वती झील से निकलती है नर्मदा मैया। जैसे हमारे चंबल नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर जिले के महू तहसील के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के ऊपर एक पहाड़ी पर जानापाऊ पहाड़ी, तो जानापाऊ पहाड़ी में वांगचू पॉइंट ऊपर बना हुआ है हमारा, तो वहीं से यहाँ पर उद्गम होता है चंबल नदी का। और एक बात ध्यान सुनना, आप लोगों को भी इंदौर में नाम सुना होगा पाताल पानी का, है ना, पाताल पानी। एक्चुअल में जो पाताल पानी है ना हमारा, वो
कौन सी नदी पे है? चोरल नदी पे। कौन सी नदी पे है? चोरल नदी पे। लेकिन एग्जामर कभी चोरल नदी नहीं देगा, तो आप लोग ध्यान दे रहे हैं, चंबल नदी देगा। कौन सी नदी देगा? चंबल नदी। ठीक है, कौन सी नदी देगा हमको? चंबल नदी। दूसरी बात, इसके में औशान की अगर बात करो या फिर समाप्ति की बात करते हैं हम लोग, कि जो हमारी चंबल नदी है वो कहाँ कहाँ से बहती हुई समाप्त होती है, तो एक बार ध्यान से सुनना आप लोग, एक बार ध्यान से सुनना। इंदौर में बहेगी, कहाँ पर बहेगी ये? इंदौर। इंदौर से गिर जाएगी कहाँ पर? धार में। धार से गिर जाएगी रतलाम। रतलाम से गिर जाएगी मंदसौर। कहाँ पर जाएगी? मंदसौर में जाएगी। अरे जाएगी तो जाएगी, मंदसौर में जाएगी। और मंदसौर में जाने के बाद में, मंदसौर में जाने के बाद में चित्तौड़गढ़, कोटा और मंदसौर के जाने के बाद में फिर चित्तौड़गढ़ जिला है राजस्थान का, है ना? चित्तौड़गढ़, कोटा, कोटा चित्तौड़गढ़ हो गया हमारे पास, कोटा हो गया, और बूंदी। बूंदी जिले से बहती हुई, बहती हुई, बहती हुई फिर श्योपुर, फिर श्योपुर, श्योपुर हो गया हमारा मुरैना, मुरैना और भिंड, भिंड है ना, भिंड से प्रवाहित होकर, प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के इटावा, इटावा नामक स्थान पर, स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है, मिल जाती है, मिलती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो काले कलर से लिखा हुआ मैंने, जो काले कलर से लिखा हुआ ना, ऐसा मध्य प्रदेश के जिले हैं, इंदौर, धार, रतलाम और मंदसौर के बहने के बाद में कहाँ पे जाएगी? चित्तौड़, कोटा, बूंदी। उसके बाद तीन जिलों में राजस्थान में बहेगी, फिर वापस कहाँ पे आ जाएगी? मध्य प्रदेश में, श्योपुर, मुरैना और भिंड में। और उत्तर प्रदेश बहती हुई कहाँ पर? एक इटावा नामक हमारा एक स्थान आता है, और वहां पर जाके ये मिल जाते, किसमें? यमुना नदी में। करण नीचे वाला गेट खोल देना, लाइन बाहर वाला चालू कर दे। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारी चंबल नदी है वो तीन राज्यों में बहती है, कौन कौन से? एक तो हो गया हमारे पास राजस्थान, तीन राज्यों में बहती, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और साथ साथ में उत्तर प्रदेश और हरियाणा। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों में बहती है? तीन राज्यों में, तीन राज्यों में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, फिर आगे बात करें हम लोग, जो चंबल नदी हमारी है, देखो जो चंबल नदी हमारी है, एक तो हो गया हमारे पास मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ में राजस्थान, राजस्थान हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इनकी सीमा का निर्धारण कौन करती है? चंबल नदी सीमा का निर्धारण, अरे करेगी, करेगी, करेगी ना। फिर दूसरी बात, मध्य प्रदेश और या उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करेगी? चंबल नदी।
सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण चंबल नदी करती है। कहने का अर्थ यह हो गया कि मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ में और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ में ये चंबल नदी हमारी ये सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, दूसरा फैक्ट ये है हमारा कि जहां पर हमारी चंबल प्लस यमुना नदी मिलती है, दोनों में क्या होना, मिलन होना, क्या होना, मिलन। और मिलन में जहां पर हमारा एक बार ध्यान देना, लश्कर के मैदान का निर्माण करती है। कौन से मैदान का निर्माण करेगी, लश्कर के मैदान का निर्माण करती है हमारी चंबल नदी और यमुना नदी मिलने के बाद में। बनने वाला क्वेश्चन देख लो आप लोग कि चंबल नदी गंगा यमुना अपतंत्र के यमुना के उपतंत्र की नदी है जिसका नाम क्या है, चंबल नदी। साथ ही साथ में उद्गम कहां से होता है, इंदौर जिले के महू तहसील, और महू तहसील में पहाड़ी होती है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत में भी छोटी पहाड़ी जानापाव पहाड़ी, और जानापाव खाला, हाँ ये वही जानापाव पहाड़ी है। शायद मैंने आप लोगों को कहीं लिखवाया कि यहाँ पर परशुराम की जन्मस्थली है ना, ये वही जानापाव पहाड़ी है जहाँ पर हमारे क्या भगवान परशुराम, भगवान परशुराम क्या है जन्मस्थली है ना, भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। और साथ ही साथ में एक बार ध्यान से सुनना, विश्व का यहाँ पर एक लोक टेम्पल बनाया जा रहा है, बताया था ना आप लोगों को। साथ ही साथ में जाना पहाड़ी के वाउचू पॉइंट से वो जिसकी ऊंचाई कितनी 854 मीटर चोटी से निकलती है, जो पातक पानी है वो चंबल या चोरल नदी के किनारे पे है। दूसरी बात, इसका समाप्ति कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश के इंदौर हो गया, धार हो गया, रतलाम, मंदसौर, फिर राजस्थान में घुसते चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी जिले से बहते हुए फिर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश श्योपुर मुरैना भिंड में बहते हुए कहाँ पर, यूपी में इटावा नाम के स्थान पर जाकर यमुना नदी मिल जाती है। और जहाँ पर इटावा नामक स्थान पर चंबल और यमुना का मिलन होता है वहाँ पर लश्कर के मैदान का निर्माण होता है। साथ ही साथ में जो चंबल नदी हमारी वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। तो अगर पूछे कि मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की ऐसी एकमात्र नदी का नाम बताइए, बात को ध्यान से सुनना आप लोग, प्रश्न को समझो कि मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी का नाम बताइए जो जन्म तो होता है मध्य प्रदेश में लेकिन दूसरे राज्य में बहती हुई, फिर मध्य प्रदेश में बहती हुई तो दूसरे राज्य में बहती है, तो आंसर क्या दोगे आप लोग, चंबल नदी। देखो पहले मध्य प्रदेश में बही, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में आई, फिर कहाँ पे चले गए हमारी, उत्तर प्रदेश में। तो कितने राज्यों में बहती है नदी, तीन राज्यों में। दूसरी बात, आगे बढ़े हम लोग और देखो करते रहो,
कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। चंबल नदी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 965 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। और एक बात ध्यान रखना, और यह नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, साथ ही साथ में ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। महाभारत में चंबल नदी का नाम किस नाम से आता है? उन्ना के नाम से आता है। किस नाम से आता है? उन्ना नदी आती है ना। दूसरी बात, प्राचीन नाम की अगर बात करूं मैं, हमारी चंबल नदी के प्राचीन नाम कौन कौन से हो गए? प्राचीन नाम की, और ये यहां से क्वेश्चन कई बार बन जाता है, धर्मावती हो गया, चर्मावती हो गया, कामधेनु, धर्मावती हो गया, चर्मावती हो गया, कामधेनु, राजा रंती देव की कीर्ति की कीर्ति के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम क्या क्या हो गए? अन्य नाम की अगर बात करें हम लोग, अन्य नाम की अगर बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, पहला नाम तो ये हो गया है ना। साथ ही साथ में जीवन रेखा पालन लिखो आप लोग, साथ ही साथ में दूसरा हो गया हमारे पास मध्य भारत की जीवन रेखा, लिखवाई थी ना आप लोगों को मैंने, मध्य भारत की जीवन रेखा, याद रहेगा आप लोगों को मध्य भारत की जीवन रेखा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सहायक नदियों की, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, और मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि इसकी कौन सी सहायक नदी होगी। पहली नदी का नाम हो गया काली सिंध, क्या नाम हो गया? काली सिंध। फिर छिप्रा, कौन सी नदी? छिप्रा। ठीक है, और पार्वती पुनो कावेरी क्वारी। ठीक है, पार्वती पुनो क्वारी, कुंदा नदी, और जो कुंदा नदी ना हमारे गुना से निकलती है, कहाँ से निकलती है? गुना से, पुराई नदी हो गई। साथ ही साथ में मेज तथा बनास, मेज तथा बनास
नेज तथा बनासा आदि नदी निकलती है, आदि नदी है। ठीक है, वो जो छिपरा दिख रहा है उनको छिपरा, छिपरा को मालवा की गंगा भी कहते हैं। मालवा की गंगा, मालवा की गंगा का नाम क्या है? छिपरा। और एक बात ध्यान दें, छिपरा नदी है ना, इसके किनारे आपको उज्जैन बैठा हुआ हमारा, कौन सा संभाग? उज्जैन संभाग। अगर इंदौर संभाग की अगर बात करें तो कौन सी नदी के किनारे है? खाना नदी के किनारे। ठीक है, अगला थे जो हमारी चंबल नदी है, वो अध्या रूपिक नदी है। कौन सी नदी है? अध्यारोपित नदी। अब अध्यारोपित का मीनिंग समझता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि ये मध्य भाग में रुखा, क्योंकि जो मध्य भाग होता है ना हमारा, मध्य भाग में उत्खाद भूमि वाली, भूमि वाली स्थला, भूमि वाली स्थलाकृति का निर्माण करती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है। देखो, ये नदी हमारी कहीं जा रही है, ऐसी भेती भेती ये हमारी कहीं नदी जा रही है, तो क्या होता है कि नदी यहाँ पर बीच में कुछ ना कुछ टेकड़ा छोड़ देती, बेड़ा इधर भी है इधर भी। अभी आई से बहुत जगह काटेगी, ये काटेगी नहीं काटेगी, तो स्थलाकृति का निर्माण करती है, निर्माण करती, जिससे चंबल खंडर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे चंबल खंडर के नाम से भी जाना जाता है ना। अगला पॉइंट, चंबल नदी हमारे पास सर्वाधिक यहाँ पर होता है मृदा अपरदन। क्या होती है? सर्वाधिक मृदा अपरदन, और सबसे ज्यादा सर्वाधिक मृदा कौन से कहाँ पे होती है? मुरैना जिले में। कहाँ पर होती है? मुरैना जिले में, लिखवाए ना आपको में। और यहाँ पर बड़े बड़े बिहेड़ का निर्माण करती है। क्या करती है? बड़े बड़े बिहेड़ों का निर्माण करती है, इसीलिए इन बिहेड़ों को बिहेड़ों का दस्यु, बिहेड़ों का दस्यु आश्रम कहा जाता है कि नहीं? कहा जाता है ना। ठीक है, ठीक है। चंबल नदी, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 665 किलोमीटर। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहली कौन सी हो गई? नर्मदा जी। फिर महाभारत में चंबल नदी का नाम क्या मिलता है? कुन्ना। प्राचीन नाम धर्मावती, चर्मावती, कामधेनु, राजा रतिदेव की कीर्ति। बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन अभी कहानी आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, दूसरी बात, अन्य नाम, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा पालन, साथ ही साथ मध्य भारत की जीवन रेखा, सहायक नदी काली सिंध, छिपरा, पार्वती, कुनो, क्वारी, कुंड, कराई, मेज तथा बनास नदी है। जो छिपरा नदी है मालवा की गंगा के देश को हम लोग उज्जैन में बैठी हुई है, उज्जैन के किनारे है, ये बात रखना है। चंबल नदी अध्यारोपित नदी है, अध्यारोपित का मतलब ये होता है कि मध्य भाग जो होता है वहाँ पर भूमि की हमारी कटती जाती है, जिससे क्या होता है सोइल इरोजन, जिसको कहते हैं ना हम लोग सोइल इरोजन, अरे मिट्टी का कटना कह सकते हैं हम लोग,
मिट्टी का यानी मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है और कौन से जिले में होता है, मुरैना जिले में, और बड़े बड़े घड़ों का निर्माण करती है। और यहाँ पर घड़ों के कारण यहाँ पर दस्यु आश्रम और इन्हीं घड़ों को दस्यु आश्रम के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं घड़ों को किस नाम से जाना जाता है? दस्यु आश्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सॉरी मैंने गलती लिख दी थी यहाँ पर कि चंबल नदी जो प्रवाहित है ना, सबसे पहले इंदौर में, उसके बाद फिर धार में, धार के बाद फिर उज्जैन जाएगी, उज्जैन के बाद फिर रतलाम जाती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितने जिलों से प्रवाहित होती है? 7 जिलों से। देखो सबसे पहले तो इंदौर से भेगी, कहाँ जाएगी? धार में, धार से फिर उज्जैन जाएगी, उज्जैन से फिर रतलाम जाएगी, रतलाम से फिर मंदसौर जाएगी, मंदसौर से फिर श्योपुर जाएगी, श्योपुर से मुरैना को फिर जाएगी। कितने जिले हो गए? 8 जिले। और किसी के साथ हम ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है।